हाय, आज मैं साउथ कोरिया की सर्वाइवल ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम के दो एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट और हेल नाम के दो एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एक दूसरी लैंग्वेज की फिल्म को एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में हमें सियोंग गिहुन नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। गिहुन कर्ज में डूबा हुआ है और उसे जुए की लत भी है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। एक दिन ब्रेकफास्ट में गिहुन की माँ ने उसे अपनी बेटी गोवांग के लिए बर्थडे डिनर खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। गिहुन की तलाकशुदा पत्नी की शादी एक अमीर आदमी से हो चुकी है और वो उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता है, इसलिए गिहुन अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर देखने के लिए बहुत खुश है। वो अपनी माँ से कुछ और पैसे मांगता है ताकि वो गिहुन को एक गिफ्ट दे सके। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर उसे वो कुछ और पैसे दे देती है। लेकिन उसके जाने के बाद गिहुन चुपके से अपना क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और अपने दोस्त के साथ और पैसे निकालने एटीएम में जाता है। फिर वो दोनों घोड़ों पर अपना दांव लगाते हैं, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण हर एक राउंड हार जाते हैं। सब कुछ हार जाने के बाद भी वे अपना पैसा बर्बाद करने से नहीं रुकते, लेकिन आखिर में गिहुन एक अच्छी रकम जीत लेता है और वो सातवें आसमान पर होता है। वो उस महिला को टिप भी देता है जो उसे जीत के पैसे देती है और अपने जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर जाता है। तभी गिहुन ने देखा कि कुछ लोग गुस्से में उसके पास आ रहे हैं। वे लोग उसके कर्जदार हैं जिन पर उनका काफी पैसा बकाया है, इसलिए वो फिर से बिल्डिंग के अंदर दौड़ता है और गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि यदि वो उनका पैसा वापस नहीं करता है तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। डरा हुआ गिहुन उन्हें वो पैसा देने की कोशिश करता है जो उसने अभी अभी जीता था, लेकिन उसे अपनी जेब में वो पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की से टकराया था वो एक जेब कतरी थी जिसने उसके पैसे चुरा लिए थे। हालांकि वो लोग फिर भी गिहुन को मारना बंद नहीं करते। वे एक छुरी को उसकी नाक में डालते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता है। वो कहते हैं कि वे एक महीने बाद फिर लौटेंगे और वहां से चले जाते हैं। अब आदमी के पास कोई पैसा नहीं बचा है, इसलिए वो उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने टिप दी थी और अपने पैसे वापस मांगता है। उसके पास अभी भी अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदने के पर्याप्त पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे एक क्लो मशीन से जीतने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो एक खिलौना भी छेद में नहीं डाल पाता। उसके बगल में एक छोटा बच्चा उसे मदद की पेशकश करता है और आखिर में एक ब्लैक गिफ्ट बॉक्स जीत जाता है। वो इस छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं और बच्चे को थैंक्स बोलने के बाद गिहुन वहां से निकल जाता है। वो अपनी बेटी को एक स्टॉल पर ले जाता है और दोनों खाने का वहां पर आनंद लेते हैं। गिहुन अपने पिता के चेहरे पर कट और चोट के निशान देखकर परेशान हो जाती है, जिसे गिहुन सिर्फ मच्छर के काटने के निशान बताता है। वो बिना ये चेक किए कि बॉक्स के अंदर क्या है उसे गिफ्ट दे देता है। गिहुन को ये देखकर आश्चर्य होता है कि ये बंदूक के आकार का एक लाइटर होता है। गिहुन गिफ्ट को वापस ले लेता है और उसे अगले साल एक बेहतर गिफ्ट देने का वादा करता है। आखिर में वो अलविदा कहकर अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। गिहुन अब एक रेलवे स्टेशन पर है, जहाँ एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी उसके पास आता है। वो गिहुन को ददाची का खेल खेलने के लिए कहता है, एक ऐसा खेल जहाँ उन्हें एक कार्ड को दूसरे कार्ड से मारकर फ्लिप करना होता है। आदमी जीतने पर गिहुन को 1,00,000 रुपए देने का वादा करता है, लेकिन अगर वो हार जाता है तो आदमी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। खोने के लिए कुछ भी न होने के कारण गिहुन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे खेलते हैं, गिहुन कई राउंड हारता है और शर्त के अनुसार हर राउंड हारने पर थप्पड़ खाता है। उसका गाल बुरी तरह से फटने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। आखिर में वो एक राउंड जीत जाता है और उसे वो पैसा मिल जाता है जिसका उसने वादा किया था। फिर वो आदमी उसे कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर वो इस तरह के और गेम खेलना चाहता है तो कार्ड के नंबर पर उसे कॉल करे। घर के रास्ते में गिहुन एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसके दोस्त सांगू की माँ होती है। वो अपने बेटे के बारे में कहती है कि वो अभी अमेरिका में बिजनेस ट्रिप पर है। रात में गिहुन और उसकी माँ रात का खाना खा रहे होते हैं, जब वो उसे बताती है कि उसकी पूर्व पत्नी का परिवार अमेरिका जा रहा है। इसके बाद वो अपनी बेटी गिहुन को फिर कभी नहीं देख पाएगा। गिहुन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण उसकी बेटी की कस्टडी उसकी पत्नी के पास है।
रात में निराश होकर वो उस आदमी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करता है और वो उसे पास की एक जगह पर बुलाता है। तभी एक वैन उनके सामने आकर रुकती है और उसे अंदर जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक गैस पूरी गाड़ी में फैल जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो गिहून अपने आसपास कई दूसरे लोगों के साथ चारपाई पर होता है। उसके कपड़े बदल दिए गए हैं, हर कोई उसी की तरह कंफ्यूज्ड है। फिर हम देखते हैं कि एक कमरे में हर किसी पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। गिहून एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसकी बनियान पर 001 नंबर लिखा होता है, जबकि गिहून पर 456 लिखा होता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। जब वे बात करते हैं तो एक लड़ाई उनका ध्यान खींचती है। जिस लड़की ने पिछले दिन गिहून के पैसे चुराए थे, वो एक ऐसे आदमी से लड़ रही है जो एक गैंगस्टर प्रतीत होता है। गिहून बीच में जाता है और लड़की को उसके पैसे वापस देने की धमकी देता है। तभी लाल सूट और मास्क पहने हुए गार्ड्स कमरे में एंटर करते हैं। वे उन लोगों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि वे 6 दिनों में और जो सभी 6 में जीत हासिल करेगा उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। प्रतिभागियों में से एक गिहून के बचपन का दोस्त सांगवू भी है, जो उसकी मां के अनुसार अमेरिका में बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। यहां पता चलता है कि वो पुलिस द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया है, क्योंकि वो लोगों के कुल 650 मिलियन पैसे लेकर गबन कर गया है, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। कुछ ही समय बाद कमरे की छत पर एक गोला दिखाया जाता है, जिसके बारे में गार्ड्स कहते हैं कि पहला गेम जीतने की रकम पैसे से भरा ये गोला होगी। हर कोई कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी खेल खेलने के लिए सब राजी हो जाते हैं। उन्हें एक रूल्स बुक पर साइन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें केवल 3 नियम हैं। पहला, खेल शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को खेल बंद करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, जो खिलाड़ी खेलने से इनकार करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। और तीसरा, लोगों का बहुमत अगर खेलने के खिलाफ है तो खेल बंद कर दिया जाएगा। हर कोई फॉर्म पर साइन कर देता है और पहले गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। कमरे के बाहर एक भूल भुलैया जैसा स्ट्रक्चर है। प्रतियोगियों की फोटोज क्लिक की जाती है और फिर एक ऐसे मैदान में लाया जाता है जिसमें एक तरफ एक गुड़िया होती है। गिहून अपने पुराने दोस्त सांगू के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला था। जैसे ही वे बात करते हैं, तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें उन्हें सफेद रेखा के पीछे रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कमरे में फोन की घंटी बज रही होती है, जिसे पिक करके एक रहस्यमयी आदमी कहता है कि खेल शुरू करो। वो मॉनिटर के सामने अपनी जगह पर बैठता है और सभी को खेलते हुए देखता है। मैदान में वापस प्रतियोगियों को बताया जाता है कि पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। उनके पास खेल को पूरा करने के लिए 10 मिनट होंगे। जैसे ही वो कुड़िया रेड लाइट कहेगी, उन्हें फ्रीज होना पड़ेगा और तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लड़की पलट कर ग्रीन लाइट बोल रही हो। यदि कोई हिलता हुआ पकड़ा गया तो गुड़िया को पता चल जाएगा और वो आदमी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खेल शुरू होता है और कुछ समय के लिए नियमित रूप से चलता है, लेकिन तभी वो गुड़िया एक आदमी को हिलता हुआ देख लेती है और उसी समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दूसरों को अभी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, इसलिए वे खेलना जारी रखते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि हिलने वालों को सच में गोली मारी जा रही है। तभी डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और खेल के अनुसार हिलने वालों को गोली मार दी जाती है। एंट्री गेट के चारों ओर लाश का ढेर लग जाता है। कुछ एक कंटेस्टेंट्स ही डर के मारे फ्रीज रह पाते हैं। इसके बाद हर कोई बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। गिहून अभी भी जमीन पर फ्रीज हो रखा है, लेकिन जब सांगू उसकी हेल्प करता है तो वो खेल में आगे बढ़ता है। वो एक बार लगभग नीचे गिरने वाला था कि तभी अली नाम के एक आदमी ने उसे बचा लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और अधिक लोग मारे जाते हैं और अंत में उनमें से कुछ आखिरकार गेम को पास कर लेते हैं, जिसमें गिहून, सांगू, पिक पॉकेट गर्ल सैवोक, बूढ़ा इलनाम, गैंगस्टर देउक्सु और गिहून अली को बचाने वाला आदमी शामिल है। फिर कैमरा पैन होता है तो हम देखते हैं कि वे एक एकांत द्वीप पर अंडरग्राउंडेड हैं। गार्ड्स लाशों को साफ करके उन्हें भट्टियों में जला देते हैं। बचे हुए प्रतियोगियों को वापस कमरे में लाया जाता है। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे वो सहम गए थे। गिहून ने अली को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। तभी गार्ड्स कमरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें पहला राउंड पूरा करने के लिए बधाई देते हैं। प्रतियोगियों की संख्या 456 से घटकर 201 हो गई है, जिसका अर्थ है कि 255 प्रतियोगी मारे गए। तभी एक लड़की अपने घुटनों पर गिर जाती है और गार्ड्स से उन्हें जाने के लिए कहती है। बाकी लोग भी वही करते हैं। जल्द ही हर कोई उन्हें आजाद करने के लिए आवाज उठाना शुरू कर देते हैं।
हालांकि स्टाफ उन्हें खेलने का दूसरा नियम याद दिलाता है, अगर वो खेलने से मना करते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन सांगवू तभी ताली बजाकर तीसरे नियम के बारे में कहता है, जिसके अनुसार यदि बहुमत खेल को समाप्त करने के लिए सहमत होता है तो खेल बंद हो जाएगा। गार्ड्स सहमत हो जाते हैं, लेकिन मतदान से पहले उन्हें पहले गेम की जीती हुई रकम दिखाना चाहते हैं। जो गोला छत पर टंगा था वो नोटों के बंडलों से भर जाता है। स्टाफ बताता है कि विनर 45 अरब रुपये जीत कर घर ले जा सकता है, लेकिन अगर वे खेल बंद करने का फैसला करते हैं तो मरे हुए लोगों के परिवारों को 100 मिलियन मिल जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं और जो लोग पहले खेल के खिलाफ थे वे इसे जारी रखने के लिए मतदान करना शुरू कर देते हैं। आखिरी वोट इल्नाम द्वारा किया जाता है, जो इस खेल को बंद करने के लिए वोट करता है, इसलिए उन्हें बिना किसी नुकसान के घर जाने दिया जाता है। जाने से पहले स्टाफ कहता है कि अगर उनमें से ज्यादा लोग फिर से खेलना चाहेंगे तो वो फिर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले सीन में गिहून और सेबियो को एक बैंड से उनके हाथ बांध कर बाहर फेंक दिया जाता है। अली और सांगू के साथ भी ऐसा ही होता है, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सांगू अली को उसके बस के किराए के लिए कुछ पैसे भी देता है। गिहून सीधे पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब के बारे में बताता है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करते क्योंकि उन्हें ये अजीब लगता है कि वोटिंग की वजह से किडनैपर्स ने उन्हें वापस भेज दिया। यहाँ पर जिनो नाम का पुलिस वाला उसके हाथ में वो कार्ड देखता है। गिहून फिर अपनी माँ के पास घर वापस आ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गिहून हॉस्पिटल में अपनी माँ के पैरों को घावों से ढका हुआ देखता है। डॉक्टरों का कहना है कि केवल सर्जरी ही उसकी जान बचा सकती है। दूसरी किसी जगह पर हम पुलिस अधिकारी जूनो को अपनी माँ से अपने भाई के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जूनो का भाई पिछले कुछ दिनों से लापता है। अपने भाई के अपार्टमेंट में उसे वही कार्ड मिलता है जो गिहून पहले पुलिस को दिखा रहा था। वो गिहून को फॉलो करने और उसके कार्ड के बारे में पूछने का फैसला करता है। इसी बीच जेब कतरी साबियो के एक अनाथालय में अपने भाई से मिलने जाती है। यहाँ पता चलता है कि वो उत्तरी कोरिया से आई हुई रेफ्यूजी है, जिसके माता पिता अभी भी उत्तरी कोरिया में फंसे हुए हैं। वो उन्हें यहाँ लाने और अपने भाई को अनाथालय से बाहर निकालने के लिए और पैसे इकट्ठा करना चाहती है। दूसरी ओर अली अपने बॉस से मिलने के लिए अपने काम पर जाता है। वो पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान से कोरिया आया हुआ है, लेकिन उसे 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई। घर पर उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा है, जिसकी देखभाल उसे ही करनी पड़ती है। अली के बॉस के सामने पैसे का एक बंडल है, लेकिन वो सैलरी देने से इनकार कर देता है। गुस्से में अली गलती से उसे एक मशीन की ओर धक्का देता है, जिससे उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। वो पैसे लेता है और वहाँ से भाग जाता है। घर पर वो अपनी पत्नी को पैसे देता है और उसे अपने बेटे के साथ पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहता है। वो उसे आश्वासन देता है कि वो बाद में वापस आ जाएगा। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को आखिरी बार गले लगाता है। इसी बीच सांगू अपनी माँ को फोन करता है और अमेरिका में होने के बारे में फिर से झूठ बोलता है। उसकी माँ खुशी खुशी उसे कोई गिफ्ट लाने के लिए कहती है। कॉल के बाद कुछ पुलिस अधिकारी बुढ़िया से मिलते हैं और उसे सांगू के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो अपने ग्राहकों के पैसे चुरा कर भागा है और अगर वो उसके पास आता है तो वो उन्हें रिपोर्ट करे। अपने ग्राहकों के सामने अपने बेटे के बारे में ये सुनकर उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती है। उसी समय सांगू को वही कार्ड मिलता है। दूसरी ओर गिहून के पास अपनी माँ की बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। वो अपनी पूर्व पत्नी से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी उसका नया पति और उसकी बच्ची घर लौट आते हैं। गिहून उसके पति द्वारा बुलाए जाने पर बाहर जाता है। वो उसे पैसे का एक बंडल देता है और गिहून को अपने परिवार से फिर कभी कॉन्टेक्ट नहीं करने के लिए कहता है। गिहून गुस्से में उसे पीटता है। वो कहता है कि वो उसकी बेटी को उसे दूर नहीं ले जा सकता। तभी उसकी बेटी बाहर आती है और देखती है कि उसका पिता उसके सौतेले बाप को मार रहा है। वो गिहून को निराशा से देखती है। बाद में वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। वहाँ पर पुलिस अधिकारी जिनो उनके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो गिहून से उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन गिहून ने ये कहते हुए इसके बारे में मना कर दिया कि जब उसने पुलिस को रिपोर्ट की थी तब वो नशे में था क्या। उसने फिर से उस जगह पर जाने का फैसला किया है और वो पुलिस की वजह से कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। जूनो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गिहून उसे मना कर देता है। अंदर जाते समय उसने पाया कि कार्ड दरवाजे से चिपका हुआ है। वो नंबर पर कॉल करता है और फिर से वापस वहाँ चला जाता है। इसी तरह सांगू, इल्नाम, देउक्सु, सेबियोक और अली ने खेल जारी रखने के लिए वापस जाने का फैसला किया है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, जब वे वैन के अंदर आते हैं और फिर से गैस बाहर निकलती है।
तो दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।